हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो सिर्फ लोग के लिए है जिनकी 18 साल उम्र नहीं हुई है पर वो बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं तो वो भी खाता खुलवाना चाहते हैं पर उनकी जो उम्र है वो 18 साल नहीं हुई है और वो उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो 1000 रुपये या फिर 2000 या फिर 5000 रुपये जमा करके खाता खुलवा पाएँ, ठीक है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीरो बैलेंस वाला खाता आप किस तरीके से खुलवा सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे और आखिर कितने समय में आपका खाता खुल जाएगा और आखिर जीरो बैलेंस वाले खाते के फायदे क्या क्या हैं। तो चलिए जान लेते हैं, ये जीरो बैलेंस वाला खाता जो कि हम बोलते हैं, जो कि प्रधानमंत्री की योजना की तरफ से यहाँ पर ये सुविधा यहाँ पर लॉन्च की गई थी कि हर व्यक्ति का यहाँ पर खाता होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो बैलेंस वाला जो खाता है वो यहाँ पर ओपन किया गया था, ठीक है। अब ऐसे में उसके लिए आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, हालांकि इसकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनकी मैंने पढ़ा था तो उनमें बताया गया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आपको साबित कर सके कि आप भारत के निवासी हैं और आप यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसके ही जरिए से आप यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं, जैसे कि मूल निवास है आपका, आधार कार्ड है, ठीक है। तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, अगर आपके पास मूल निवास है, क्योंकि अगर कोई भी पढ़ाई कर रहा है तो 9th क्लास में कि वजीफा हम किस तरीके से ले सकते हैं और किस तरीके से खाता खुलवा सकते हैं, तो आप जीरो बैलेंस वाला खाता यहां पर खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास मूल निवास होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप छात्रवृत्ति ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको मूल निवास मांगा ही जाता है, ठीक है। तो उसी से ही आप खाता खुलवा सकते हैं, इसी के साथ में आप आधार कार्ड से भी खाता खुलवा सकते हैं। तो आप मूल निवास लेके जा सकते हैं और आप ब्रांच में जाकर बोल सकते हैं कि हमारा खाता खोल दीजिएगा जीरो वाला, ठीक है। हालांकि वो आपसे मना भी कर सकते हैं पर आपको बोलना है कि वहां पर जीरो वाला हमारा खाता खोल दीजिएगा जो कि जीरो बैलेंस वाला, ठीक है। जीरो बैलेंस वाले से फ़ायदा क्या होता है, ना तो आपको कोई ATM की जो फीस है ना तो आपको वो देनी होती है और इसी के साथ में बहुत सारे चार्जेस होते हैं जिनसे भी आप बच जाते हैं। इसी के साथ में अगर वो ATM आपके पास है तो आप उस पर 10,000 रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं, शायद आपको ये बात कोई भी ना बताए, ठीक है। तो आप वहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं और आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपये ही देने पड़ते हैं और आपका खाता खुल जाएगा तुरंत की तुरंत, ठीक है। इसी के साथ में आप पासबुक भी वहाँ से फिर ले सकते हैं, ठीक है। पासबुक कितने समय में दे देते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है, हालांकि पासबुक उन्हें तुरंत दे देना चाहिए। काफ़ी कुछ ब्रांच वाले बोलते हैं कि आपको कल आना या फिर परसों आना, 2-4 दिन के बाद आना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें अकाउंट नंबर है तुरंत दे दीजिएगा, वो आपको अकाउंट नंबर तुरंत दे देंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिक्कत हो जाती है कि पासबुक नहीं है या फिर प्रिंटर ख़राब है, क्योंकि ज़्यादातर जो बैंक वालों का प्रिंटर है बहुत जल्दी ख़राब होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई आज प्रिंटर ख़राब है, आप फिर ले जाना पासबुक, ठीक है। तो ऐसा बोल भी देते हैं, ठीक है। हो सकता है उनका प्रिंटर ख़राब हो जाता हो, ठीक है। तो आप उनसे अकाउंट नंबर ले सकते हैं, जो भी पर्सनल जानकारी है जैसे कि IFC कोड, तो वो आप उनसे लिखवा के ले सकते हैं, बाकी आप अपनी छात्रवृत्ति ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।